न्यू बॉम्बे भी अच्छी टीम थी, हमारी भी अच्छी टीम है, तो दोनों टीम इक्वल थी। हाफ टाइम में भी जैसे इक्वल स्कोर था, लेकिन उससे पहले 4-5 पॉइंट की उनकी 4 पॉइंट की शायद लीड हो गई थी न्यू बॉम्बे की। तो आशु ने उसको जो है ना, और मनजीत रेडी में डिफेंस हमारा हाफ टाइम के बाद बहुत अच्छा खेला। मतलब देखो गलतियाँ तो होती रहती है, जो कैलकुलेशन किया था हमारी टीम उसी ढंग से। देखो सर, उस सिचुएशन में कोच साहब ने जो बोला था हमने वही किया। कोच साहब ने यही बोला था कि भाई 3 लोग हैं, पहले थर्ड उनकी आएगी, तुम ट्राई मत लेना। लेकिन फिर भी उनका डिफेंस थोड़ा लूज कर गया और हमारा डिफेंस आज बहुत अच्छा खेला। देखो आशु तो अच्छा है, इसमें नो डाउट। नवीन और जब आशु खेलते हैं ना, अगर नवीन होता तो और ज़्यादा, मतलब देखो मैं कमी तो है ही वो तो, लेकिन उसकी कमी को जितने उसने पॉइंट बनाने थे 15, 16, 17, 12, 14 वो नया आशु बनाने लग रहे हैं। और डिफेंस हमारा जो है ना, इसने कैप्टन बनने के बाद और ज़्यादा सॉलिड हो गया। बच्चे सभी बच्चे इसके साथ की एज के, इससे 1-2 साल 6 महीने छोटे होंगे, बाकी जो है ना डिफेंस हमारा बहुत सपोर्ट कर रहा है ऑफेंस को। देखो सर, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफेंस उनका हैवी रहा हम पर, हमें कैच भी हुई, लेकिन हाफ टाइम के बाद थोड़ा और टाइट हो गए खेले हम, और उनमें भी थोड़ी कमियाँ हुई, कमियाँ हमसे भी हुई हैं, लेकिन हमने रिकवरी करी बाद में और सभी प्लेयर बहुत अच्छा खेले। बट माई फीलिंग वॉज बिकॉज लास्ट मैच ही हैड वन इंजुरी इन नी एंड दिस वीक ही डोंट हैड गुड प्रैक्टिस, ओनली रिकवरी एंड रिहैब, सो आई थिंक इज body language wasn't good and my feeling was he's not ready for match, then we changed him with another player. जब वहाँ पे तीन प्लेयर थे तो हमें ऑल आउट लेना था, वो उल्टा हम गलतियाँ ज़्यादा कर गए उस टाइम, और कहीं ना कहीं वो वहाँ पे बोनस नहीं रोक पाए जहाँ राइट साइड में, जैसे कोसा बता रहे हैं, अगर वहाँ पे हम सक्सेस होते तो रिजल्ट चेंज होना था, पर वहाँ पे टाइम पे गलतियाँ हो गई जी।